हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हाइड्रेंजिया प्लांट के बारे में। देखिए दोस्तों, ये मेरा हाइड्रेंजिया प्लांट है। ये इतना अच्छा से नहीं खिला है, ये रेड वाला है देखिए, पर ये इतना अच्छा से नहीं खिला है। एक मेरे पास लाइट कलर है, देखिए बहुत अच्छे से खिला है। देखिए ये बड़ा भी है, ये पौधा बड़ा है और इसका जो प्लांट है वो भी देखिए इतना सुंदर से आया है। ये भी है, ये बारिश लगने की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया है। तो ये बड़ा प्लांट है देखिए दोस्तों, ये वाला जो थोड़ा छोटा प्लांट है तो इसलिए इसका इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो आपका हाइड्रेंजिया प्लांट जितना बड़ा होगा उतना उसका जो फ्लावर का बंच है वो बड़ा होके आता है। तो ये प्लांट जितना बड़ा होगा, जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा फूल देता है। इसलिए अगर आप चाहता है कि आपका हाइड्रेंजिया प्लांट में इतना बड़ा बड़ा फूल आए तो आप उसे बड़ा होने दीजिए, ग्रो होने दीजिए। और जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होते जाएगा, देखिए ये छोटा पॉट में है, तो इसे आप रिपोर्ट कर दीजिए बड़ा प्लांट में। इस तरह से देखिए, ये मैंने ऐसे ऐसे इतना ही था ये भी, तो मैंने इसे जब इसका रूट बाउंड हो गया तो मैंने इसे बड़ा पॉट में रिपोर्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से आप इसे और बड़ा ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है ये प्लांट सेट लविंग प्लांट है। इसे आप डायरेक्ट सन में कभी भी मत रखिए। डायरेक्ट सन में रखने से आपका जो प्लांट है वो ड्राई होके इसका लीव्स गिर जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा प्लांट। इसलिए आप इसे हमेशा शेडेड एरिया में रखिए जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट लाइट मिले। सुबह का जो धूप है उसे एक दो घंटा मिलने से कोई बात नहीं, लेकिन दिन का जो दोपहर का जो धूप है उसे नहीं मिलना चाहिए। स्पेशली समर में इसे डायरेक्ट सनलाइट से हमें से बचा के रखना है, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात, जो आपका हाइड्रेंजिया प्लांट है उसका जो पॉटिंग मिक्स है वो किसी भी पॉटिंग मिक्स में ग्रो करता है। मेरा में मैंने ज़्यादा सैंड दिया है, नॉर्मल पॉटिंग सॉइल, सैंड एंड बर्मी कंपोस्ट ही दिया है। तो किसी भी पॉटिंग सॉइल में वो ग्रो करता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो पॉटिंग मिक्स है वो हमेशा मॉइस्ट होना है। हाइड्रेंजिया ड्राई आउट होना पसंद नहीं करता है, इसलिए आप इसे हमेशा मॉइस्ट रखिए। तो अगर आप इसे हमेशा मॉइस्ट रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेंगे। पर अब इसे वेट नहीं रखना है, वेट नहीं रखना है मतलब अब इसे रोज वाटरिंग नहीं करना है। जब इसका जो ऊपर का भाग है, ये जो पार्ट है, ये थोड़ा थोड़ा सूख जाए तभी आप इसको वाटरिंग करना है। तो ऐसा करने से आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन आप रोज इसे वाटरिंग करेंगे तो उसका जो रूट्स है वो ख़राब हो जाएगा, रूट रोट हो जाएगा, फिर आपका प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ये प्लांट कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो करता है। देखिए मैंने कटिंग से भी इसको लगाया है, तो इसका कटिंग का ऊपर मैं एक कटिंग करके मैं एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं दिखाऊँगी आपको कैसे कटिंग से ग्रो करना है हाइड्रेंजिया को। तो देखिए मेरा यहाँ पे बहुत सारा सूट्स है जिसे मैं कटिंग से ग्रो कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारा सूट्स है जो आप ग्रो कर सकते हैं, तो ये ब्यूटीफुली ग्रो करता है। तो इसका जो कटिंग है, स्पेशली अगर आप इसे रेनी सीजन में लेते हैं तो अच्छा होता है। तो इसका मैंने देखिए इसका ले लिया है मैंने, और वो सब अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।